डियर स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 1.4। एक्सरसाइज 1.4 मैंने पहले से सॉल्यूशन कर दिया है, मैं जल्दी से समझा दूंगा। बस इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने देख लिया है तो सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है, एकदम लल्लू लाल। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, राउंड ऑफ करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए 21, 24 टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, अब नियरेस्ट 10 पे करना है तो भाई हमको इस पोजीशन को देखना है। अब ये जो 4 है ये 5 से छोटा है, इसका मतलब कि ये 0 हो गया और इसकी वैल्यू भी जैसी की तैसी रहेगी 10th प्लेस वाली, तो ये हो जाएगा 2120। सो आंसर इज 2120। मिलाते रहिए आप फटाफट। सेकेंड बी वाला है, 6289 टू द नियरेस्ट 100। 100 का मतलब अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है ये 5 या उससे बड़ा तो नहीं है, तो ये 5 या उससे बड़ा है, इसका मतलब कि इसके ठीक पहले वाला नंबर एक नंबर ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये 2 से 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। बाकी 00 मिला लिया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा, और अगर इसके पहले वाला आपने देखा है ये तो फिर हलवा पूरी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, है ना? ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है सी, 17049 को नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है। तो अब आप यहाँ जाओ, 100 पे 0 है तो ये 7 ही रहेगा और ये 00 हो जाएंगे, तो 17000। ठीक है, इसके बाद इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है तो 10th पे आ जाओ भाई। अब ये 6 है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा 3, तो 4 3 3 4 3 3 और 00, ये आंसर हो गया आपका। फिर नेक्स्ट वाले को क्या करना है, ई वाले को 10,000 में कन्वर्ट करना है, तो 1000 पे आ जाओ। अब 1000 पे 6 है यानी 5 से बड़ा है, ये हो जाएगा 8 की जगह हो जाएगा 9, बाकी हो गया 0, आंसर हो गया। लास्ट वाला है नियरेस्ट 10,000, इसको भी 10,000 में कन्वर्ट करना है, तो आ जाएंगे भाई 1000 पे। 1000 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये 7 का 7 ही रहेगा, बाकी सब ये 0 हो जाएंगे, तो 57000 आंसर मिला लिया सबने। ओके, वेरी गुड, तो यही आपका सही आंसर है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप इस साल अपनी क्लास में टॉप करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10, है ना? नियरेस्ट 10 पे हमको सम निकालना है, तो ये है 87 और ये है 31 और इसका सम होगा 120। निकाल लीजिए भाई। अब ये 7 है यानी ये वाला नंबर हो जाएगा 90 प्लस, अब ये 31 है तो ये हो जाएगा 30, तो 90 प्लस 30 120, है ना? यही तो समझाया था मैंने, याद करिए पिछले लेक्चर में। वेरी गुड, तो नियरेस्ट 10 पे ही करना है, तो ये भी और ये भी, तो ये हो जाएगा 330 प्लस ये हो जाएगा 460, आंसर हो गया 790, है ना? तो अपने आंसर चेक कर लीजिए। दूसरा वाला है 1289, अब ये 9 बड़ा हो गया, ये हो जाएगा 1290 प्लस और ये हो गया 3, तो ये छोटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2230, हमने जोड़ दिया तो आंसर हो गया 3570, आंसर आपने मिला लिया। एकदम बढ़िया से मैच हो रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत होगी भी नहीं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ रहे हो, कैसे दिक्कत होगी भाई? हाँ, मुझे खुद ही मैथ्स नहीं आती है, अब मुझे आती ही नहीं तो आपको कैसी दिक्कत हो सकती है? हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो इट इज व्हाट, 26400 प्लस ये हो जाएगा 1640 और आंसर हो जाएगा 28040। देखा, मुझे भी मैथ्स नहीं आती है, फिर भी सब सही है, बढ़िया, आपको भी आई जाएगी, मुझे नहीं आती तो आपको तो आई जाएगी ना। चलिए थर्ड वाले पे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3।
सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली, इट इज व्हाट एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। ओह ये तो बहुत आसान कर दिया, 10 के बाद सीधे 100 पे पहुंच गए। तो अब 100 में पहुंच गए भाई, तो हमें सिर्फ इससे मतलब रहेगा, ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा 200। तो 700 माइनस 200 इज इक्वल टू 500। चेक द आंसर, वा आंसर वा इज करेक्ट, वा ओके ओके। सो इट इज व्हाट, ये हो जाएगा 6100 माइनस हो जाएगा 2500 कर लीजिए 00, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3600। आंसर भी है 3600। अयो रंगप्पा स्वामी, आई थिंक आंसर इज करेक्ट, ओके माइंड इट एंड वॉच इट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, सी वाले का भी आंसर 800 हो जाएगा, आप अच्छे से मैच करा लीजिए, और डी वाले का आंसर हो जाएगा 2800। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, कुछ इसमें नया है ही नहीं, अच्छे से मिला लिया आपने। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इस थर्ड क्वेश्चन को मैं मिटा लूँगा, जितने होते चले जाएंगे मिटा लेंगे, और अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो वो बैक कर लेगा, रिवर्स कर लेगा और देख लेगा, ओके। नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 1000, और लास्ट वाले का है एस्टिमेट एंड सॉल्व द नियरेस्ट 1000, ओके। यानी अब सिर्फ 1000 वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। तो नियरेस्ट 1000 का मतलब क्या हो गया, कि 100 प्लेस पे हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या है। अब ये है 2, अब ये 3 है तो 0 0 0 ही रहेगा, इनटू 1, अब ये 2 है तो 0 ही रहेगा, 0 0 0। तो 6 0 तो आप पहले लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दीजिए, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 2। अयो सही है ना, तो दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर, ओके। नाउ दिस इज व्हाट 3 हो जाएगा, 3 0 0 0, और ये 6 है तो ये हो जाएगा इनटू 4 की जगह हो जाएगा 5 0 0 0, 3 3 6 6 0 तो आप पहले लिख दीजिए, है ना, और 3 5 15, 3 5 15, कितना आसान है, अलादीन का चिराग है, ओके। देखा मुझे मैथ्स नहीं आती फिर भी आती है, तो आपको भी आएगी, ओए बल्ले बल्ले आएगी भाई आएगी। चलिए सी वाला कर लीजिए, अब सी वाले में भी सब ये सब नियरेस्ट 1000 पे ही निकालना है ना, तो कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं है। तो सी वाले में भी क्या है, ये 4 है तो छोटा है 5 से, ये हो जाएगा 6 0 0 0, और ये 3 है तो बड़ा है, तो ये हो जाएगा 4 0 0 0, तो 6 4 जा 24। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अब तो आपको तरीका पता चल गया, 6 4 जा 24, और 3 और 3 6 0 आप यहाँ पे पीछे लिख देंगे। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया 5, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये नंबर भी हो जाएगा 5, है ना, और ये छोटा है तो ये 1 ही रहेगा, तो 5 1 जा 5, और पीछे 6 0 लिख देंगे, 5 1 जा 5, और पीछे 6 0 हो गया, यानी 1s 10s 100 1000 10000 lakh 10 lakh, सब 10 lakh की वैल्यू में आ रहा है, सब भगवान की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है, इसको एस्टिमेट करना है वही नियरेस्ट 1000 पे, और ये डिवीजन है, तो चलिए डिवीजन कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया एकदम छक्कस बड़े हैं। अब ये देखिए क्या है, ये 5 है, ये उससे बड़ी वैल्यू हो गई थी, ये हो जाएगा 4, 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा 4, बाकी ये 0 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाई, ये है 2 और ये 3, 3 5 से छोटा तो जाएगा 2 0 0 0, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सो आंसर इज 2। मजा आया ना, देखा छोटा बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करता, स्मार्ट, अयो तो मैं स्मार्ट बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, सो दिस इज व्हाट 5 एंड 1, ये हो जाएगा 6, 9 है बड़ी वैल्यू 5 से, तो ये जाएगा 6 0 0 0,
और 5, 8 ये भी बड़ी वैल्यू है तो ये भी हो जाएगा 6000 और ये डिवाइड होंगे तो वैल्यू जाएगा 1, आंसर 1 है ना। अब तो आपको सी और डी बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, तो 3 3 9 तो आपका आंसर हो गया 9 और ये है आपका, ये 2 रहेगा तो छोटा रहेगा यानी ये है 15 और ये 3 इससे छोटा है तो ये रहेगा 5, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15 आंसर 3 सबने मिला लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में रोमन न्यूमरल्स तैयार रहिए क्योंकि उसके बाद फिर एक्सरसाइज आएगी और उसको मैं ऐसे फटाफट सॉल्व कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत।